अनुज प्रताप की माँ कहीं ना कहीं अगर वो समझदार होंगी तो उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि मेरे बेटे की बलि उस डकैती के अपराध के लिए नहीं हुई है, वो 15 दिन में जो योगी आदित्यनाथ की बेइज्जती हुई है उसको बचाने के लिए की गई। आप ये समझिए कि ये इनकाउंटर जो है इनकाउंटर नहीं है, एक ठाकुर भाई की, मैं भाई कहूंगा क्योंकि वो उस अपराध के लिए नहीं मारा गया है, वो सिर्फ और सिर्फ मारा गया है जो 10-15 दिनों में योगी आदित्यनाथ सरकार घेरी गई है। रह गई बात, आपने कहा कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या उस टारगेट के दबाव से एनकाउंटर हुआ है, ये सवाल है। आप समझिए कि जिस तरह इनको अपनी सत्ता जाती दिख रही है, सिर्फ उसको बचाने के लिए मार रहे हैं। रियासत बहुत गर्म है क्योंकि सुबह सुबह अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो गया है, वही अनुज प्रताप सिंह जो सुल्तानपुर वाले सर्राफा व्यापारी के यहाँ लूटकांड में शामिल था, जहाँ एक तरफ मंगेश यादव का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, वहीं दूसरी तरफ अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर कर मामले को और तूल दे दी गई है। कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ चंद्रप्रकाश जी हैं, बात करेंगे हम इनसे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको, अनुज प्रताप सिंह के पिताजी का एक बयान आता है कि अखिलेश यादव जहां यादव यादव कर रहे थे, योगी जी पे ठाकुरवाद होने का आरोप लगा रहे थे, स्पेशल ठाकुर फोर्स बता रहे थे, वहीं पे अनुज प्रताप सिंह का अब एनकाउंटर हो गया है, तो उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव के कलेजे को ठंडक मिल गई होगी, कैसे देखते हैं आप इसे? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या अखिलेश यादव को घेरने के लिए एनकाउंटर किया गया है? अब वहां से सोचिए ना कि कुछ जो इतने सारे सवाल खड़े हुए पिछले 10-15 दिनों में, इतनी सारी जो बेइज्जती हुई, क्या उससे बचने के लिए अनुज प्रताप सिंह की बलि दी गई है? उसके पिताजी ने क्या कहा, मैंने नहीं सुना, लेकिन उनके पिताजी ने अगर ये कहा है तो मैं वहां से भी एक जवाब उनसे पूछना चाहूंगा, क्या योगी आदित्यनाथ जी वो कर रहे हैं जो अखिलेश यादव कह रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ से उनके पिताजी को ये नहीं पूछना चाहिए कि आपने जो आप पे जो जातिवाद के आरोप लगे हैं, क्या उससे बचने के लिए मेरे बेटे की बलि दी है? सवाल ये है। आज अगर आप मान लीजिए सारे मीडिया चैनल अखिलेश यादव की तरफ उंगली उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अखिलेश यादव पर उंगली उठे, इसीलिए एनकाउंटर किया गया। अच्छा, सवाल तो ये भी है ना बड़ा, जहां योगी जी को कहा जाता था कि ठाकुरवाद कर रहे हैं, जाति के लोगों को बचा रहे हैं, अब तो अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ है, तो जो फुल फॉर्म स्पेशल ठाकुर फोर्स का होता था वो बदल जाना चाहिए, अब स्पेशल टास्क फोर्स रख देना चाहिए। मतलब अनुज प्रताप सिंह ही जो आखिरी ठाकुर जात का गुंडा था, अब तो कोई बचा नहीं है। अगर इतने ही नियत के अच्छे हैं तो एक तुरंत आप गूगल करिए सिर्फ स्पेशली ठाकुरों की, कि यूपी में अभी कितने ठाकुर हैं जिन पर इतने इतने बड़े मुकदमे हैं, नामी गिरामी बदमाश है, वो लिस्ट दे दीजिए, लगे हाथों हो सकता है सबको साफ कर दे। अगर इनके नियत में ईमानदारी है तो इनको तुरंत अखिलेश यादव को एक लिस्ट भेजनी चाहिए कि देखिए भैया इतने और बचे हैं, इनको मार दीजिए और आप पर जातिवाद का आरोप नहीं लगेगा। उन्होंने एक नारा दिया था, कहा था कि अपराधी जो है या तो मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं या प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं, तो अच्छा हो रहा है ना अपराध। पोस्टर में वो ये लिखना भूल गए थे कि जितने भी अपराधी मेरे प्रतिद्वंदी हैं या तो मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं या प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, जितने भी अपराधी मेरे अपनी पार्टी में है वो सब ऐश कर रहे हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी ऐश करेंगी, ये लिखना वो पोस्टर में भूल गए थे। रह गई बात, आपने कहा कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या उस टारगेट के दबाव से एनकाउंटर हुआ है, ये सवाल है। आप समझिए कि जिस तरह इनको अपनी सत्ता जाती दिख रही है, सिर्फ उसको बचाने के लिए मार रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी भाई बहन को पूरे प्रदेश में यादव ठाकुर की आपसी रंजिश में नहीं पड़ना चाहिए, उन माओं के लिए सोचना चाहिए जिनके बच्चे सिर्फ बलि का बकरा बन रहे हैं, इनकी सत्ता के जो है डेंट लगा है उसको बचाने हुए। समझ रहे हैं? आज अनुज प्रताप की माँ कहीं ना कहीं अगर वो समझदार होंगी तो उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि मेरे बेटे की बलि उस डकैती के अपराध के लिए नहीं हुई है, वो 15 दिन में जो योगी आदित्यनाथ की बेइज्जती हुई है उसको बचाने के लिए की गई। अच्छा, ये बताइए जिनके ऊपर 34 मुकदमे 38 मुकदमे हैं, उनसे योगी जी डरते हैं क्या कि उनका एनकाउंटर नहीं कराते? ये तो आप ही ने कुछ देर पहले सवाल किया था कि वो तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लगातार कर रहे हैं, या फिर उन तक लिस्ट नहीं पहुंच पा रही है, या फिर उनका जो गूगल है वो भी लिमिटेड है कि उसमें सर्च मारते हैं क्रिमिनल तो निकल के आते हैं जितने भी प्रतिद्वंदी है वो आपके क्रिमिनल है, और जो आपके साथ में है वो सब सगे संबंधी है, वो गंगा में बिल्कुल धुले हुए एकदम है, दूध के धुले की तरह। समझ रहे? लिस्ट मैं नाम क्या गिनाऊं, आप गूगल करिए फटाफट, लिस्ट आने लगेगी, इनके पास भी तो है सारी चीजें।
है ना, तो कर ले और 5-6 महीने में साफ कर दे। अगर अखिलेश यादव को बैकफुट पर लाना है तो आपको एक नया स्टेडियम भी बनाना होगा, आपको मेट्रो भी बनानी होगी, आपको आगरा एक्सप्रेसवे भी बनानी होगी, आपको लैपटॉप भी बांटने होंगे, आपको मुसलमानों को भी अपना भाई मानना होगा। ये नहीं है कि आज जब सत्ता जाती दिख रही है तो ये लोग एक अभियान चला रहे हैं कि मुसलमानों को जोड़िए, और इससे पहले क्या था कि मुसलमानों को तोड़िए। ऐसे भेड़ियों से बचिए, बहराइच वाले भेड़िए 4-6 दिन में पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ये पिछले 10-12 सालों से छुट्टा घूम रहे हैं, लेकिन लोगों को नजर नहीं आ रहा क्योंकि मीडिया हमारी वो है, उसने लोगों को अंधा बना रखा है। समझ रहे, ये इनकाउंटर बिल्कुल भी, मैं मान रहा हूँ कि ये इनकाउंटर नहीं, ये बिग बॉस जैसी स्क्रिप्ट है कि अब इस कंटेस्टेंट को अगर बढ़ाना है, ये कमजोर पड़ रहा है तो तुरंत एक ठाकुर। लेकिन मैं उन तीनों के लिए दुखी हूँ, चाहे वो मंगेश यादव हो, चाहे अनुज प्रताप सिंह हो, या अगला किसी को ये टारगेट अगर बनाते हैं तो मैं ये कहूंगा कि इनके साथ अन्याय हुआ। इन्होंने जो अपराध किया है उसकी न्यायालय में, संविधान में एक लिखा गया है कि इसकी इतनी सजा बनती है। अगर ये इनको एक तरफ कहते हैं कि हम संविधान को माथे से लगाएंगे, संविधान की इज्जत करते हैं, दूसरी तरफ ये न्यायालय का सहारा नहीं ले रहे हैं। समझ रहे हैं, तो आप ये समझिए कि ये इनकाउंटर जो है, इनकाउंटर नहीं है, एक ठाकुर भाई की, मैं भाई कहूंगा क्योंकि वो उस अपराध के लिए नहीं मारा गया है, वो सिर्फ और सिर्फ मारा गया है जो 10-15 दिनों में योगी आदित्यनाथ सरकार घेरी गई है, तार खुद के कारनामों को छिपाने के लिए अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर करवा दिए, ताकि आज मीडिया क्या कह रही है, अब अखिलेश यादव क्या कहेंगे, अब अखिलेश यादव क्या कहेंगे, क्या मीडिया के माइक को अखिलेश यादव की तरफ करने के लिए आपको नहीं लगता है ये एनकाउंटर हुआ है? समझ रहे हैं, 10-12 दिनों में एक तरीके से इनकी टीम ने इनको बताया है कि आप इस मंगेश यादव वाले मामले में पूरी तरीके से जो है फजीयत करा ली है। 1 लाख का इनाम भी तो घोषित था उसके ऊपर, ये आज ही आपको पता चला है। अगर वो इतना जो है फेमस होता तो आपको कल भी पता होता कि अभी अनुज प्रताप सिंह कोई है। मान लीजिए अगर कोई भी मीडिया का आदमी ईमानदार है तो वो ये नहीं बता पाएगा कि अनुज प्रताप सिंह को इस एनकाउंटर से पहले मैं जानता था। अरे कई लोग हैं, विनय प्रताप, विनय सिंह है, दुर्गेश प्रताप सिंह है, सबका नाम तो लोग जानते ही हैं। तो नामी नहीं मारे जाएंगे, नामियों को तो कहीं एमएलसी बनाया जाएगा, कहीं सांसद बनाया जाएगा, कहीं विधायक बनाया जाएगा, आप तो लिस्ट निकाल सकते हैं ना, देख लीजिए। ये भाजपा पे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं ये बताइए, मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि भाजपा पे क्यों आरोप लगा रहे हैं, अगर आपकी चौकी पर कोई घटना होती है तो आप चौकी इंचार्ज पर नहीं इल्जाम लगाएंगे तो किस पे लगाएंगे, आप बताइए। भाजपा अगर इस समय सत्ता में है, प्रदेश में है, देश में है, तो आरोप हम क्या लगा दे जाकर पाकिस्तानी सरकार पर, या फिर जो है बांग्लादेश की सरकार पर लगा दे, या चाइना की सरकार पर लगा दे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा था कि जिस गाड़ी पे हो सपा का झंडा समझो बैठा है जाना माना गुंडा। देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए एक लाइन मैं सुना दूं, जो जो झूठी अफवाह फैलाई जा रही ना कि डबल इंजन सरकार है, तो मैं वहां से एक चीज कहना चाहूंगा कि एक को दिल्ली पसंद है और दूसरा नागपुर जाने को तैयार है, एक के सर पर दिल्ली का हाथ है, दूसरे के सर पर आरएसएस का हाथ है, एक को दिल्ली पसंद है, दूसरा नागपुर जाने को तैयार है, प्रदेश की दुर्दशा बता रही है, यहाँ डबल इंजन की सरकार है। ये सपा के गुंडों को छोड़िए, ये अपनी कुर्सी और स्टूल की लड़ाई से अभी बाहर नहीं निकल पाए हैं कि अब मैं स्टूल बैठे बैठे थक गया और इस चुनाव के परिणामों के बाद उनको लगा था कि शायद मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं। ठीक है, तो वो पहले अपनी जो है अपने क्षेत्र से चुनाव हार गए थे, समझ रहे, तो दूसरों को दुहाई मत दे, दूसरों की बुराई वो लोग करते हैं जिनमें काम करने का दम नहीं होता है। 8 सालों में जो काम किया गिनाइए और जाके जनता के बीच वोट मांगिए, 8 सालों में बताएंगे कि हम मंदिर बनाए और जनता समझदार थी, हमको अयोध्या से हरा दिया, अब उसके बाद हम जो है फल वाली दुकानों पे नाम लिखना चाह, जनता ने नकार दिया, वहां दुकान जब नहीं जमी तो मैं इनकाउंटर कर रहा हूं और जनता उसको भी नकारेगी। आप मान लीजिए ये जो अनुज प्रताप सिंह मारा गया है, इसका एनकाउंटर कतई नहीं हुआ, इसकी राजनीतिक बलि दी गई। ये हमारे साथ युवा थे, तमाम आक्रोश में दिखे क्योंकि लगातार एक तरह से यहाँ जाति का सवाल ही नहीं है, इन लोगों की बात अगर मानी जाए तो जाति का सवाल नहीं है, कहीं ना कहीं प्रताप सिंह की उन्हें ही अपना भाई मानते हैं।